हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे सही डायरेक्शन में। तो आज का जो है वीडियो है बेसिकली रिवीजन वीडियो है, जिसमें हम ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। पिछले वीडियोज़ में हमने कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ में उसे अपने फ्रेंड्स और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का जो है वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? तो बेसिकली यह जो राजभाषा अधिनियम है यह 10 मई 1963 को पारित हुआ। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्ज़ाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम को क्या कहा जा सकेगा? तो राजभाषा अधिनियम को राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा और यह जो है सेक्शन वन है आपका। टोटल इस एक्ट में 9 सेक्शन है, ठीक है, जिसका सेक्शन वन जो है बेसिकली वह संक्षिप्त नाम और प्रारंभ है। तो संक्षिप्त नाम के रूप में सेक्शन वन क्लॉज वन की बात करें अगर, तो यह अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जा सकेगा, ठीक है, ऐसा बोला गया है। तो सेक्शन वन क्लॉज वन के तहत जो है इसका नामकरण किया गया है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे अधिनियम और नियम में अंतर जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। अधिनियम जो होता है वह पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है और नियम जो होता है वह केंद्र सरकार द्वारा बनाया जाता है। जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, और जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 है इसको पार्लियामेंट ने बनाया है, ठीक है। तो पार्लियामेंट इज नथिंग बट अ लोकसभा, राज्यसभा एंड राष्ट्रपति, दैट मीन्स प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कोई भी बिल है उसको एक्ट बनाने का जो प्रोसेस होता है वह कैसे होता है? संबंधित जो भी एमपी हैं, दैट मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वह प्राइवेट मेंबर हो या पब्लिक मेंबर हो, ठीक है, प्राइवेट मेंबर दैट मीन्स नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक मेंबर विल बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। सो जितने भी हमारे प्राइवेट मेंबर या पब्लिक मेंबर हैं वो जिस भी सब्जेक्ट पर कोई एक्ट बनाना चाहते हैं तो उससे संबंधित बिल जो है वह लोकसभा में टेबल करेंगे। लोकसभा में उस पर डिस्कशन होगा, उसके बाद उस पर वोटिंग होगा, उसके बाद वह फॉरवर्ड हो जाएगा अगले सदन के लिए, राज्यसभा के लिए। राज्यसभा में फिर उस पर डिस्कशन होगा, फिर उस पर वोटिंग होगा और उसके बाद वह फॉरवर्ड हो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट असेंट उस पर देंगे, उसके सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद जो है वह बिल एक्ट के रूप में पारित हो जाएगा या एक्ट का रूप ले लेगा, ठीक है। तो राजभाषा अधिनियम 1963 जो बनाया गया होगा तो वह इसी तरह बनाया गया होगा कि आगे वह लोकसभा में गया होगा, फिर राज्यसभा में, फिर उसे प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ने असेंट दिया होगा, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी बिल जो है एक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है राजभाषा अधिनियम की धारा 3 क्लॉज 3 कब से लागू हुआ, ठीक है। तो यह लागू हुआ 26 जैन 1965। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी कई बार रिपीट हो चुका है। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे तो बेसिकली उन्होंने हिंदी का इंग्लिश का जो यूज़ है वह संविधान के लागू होने के 15 साल तक के लिए ही रखा था। दैट मीन्स व्हाट, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था, तो अगले 15 साल तक जो है तो उन्होंने बोला कि अंग्रेजी का यूज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर किया जाएगा, लेकिन उसके बाद हम अंग्रेजी का यूज़ नहीं करेंगे और हिंदी हमारी पूरी तरह से सरकारी राजकाज में या संसद में प्रयोग होने वाली भाषा, राजभाषा हो जाएगी। किंतु यह हो ना सका और अंग्रेजी का यूज जो है कंटिन्यूस उसके बाद भी चलता रहा या चलता रहे, इसके लिए जो है तो राजभाषा अधिनियम की धारा 3 क्लॉज 3 लाया गया और इसे स्टार्ट किया गया 26 जैन 1965 को, ठीक है। तो इसके तहत यह बोला गया कि संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए और संसद में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा जो है तो सुचारू रूप से चलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि राजभाषा अधिनियम की धारा 2 ख के अनुसार हिंदी से आशय क्या है।
तो यहाँ हिंदी से मतलब है कि हिंदी लैंग्वेज है, और जिसका जो लिपि है वह देवनागरी होगा। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी का जो स्क्रिप्ट है वह क्या होगा, तो हिंदी का लिपि जो होगा वह क्या होगा, देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन ये पूछता है आपसे एग्जाम में, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया, मीन्स व्हेन इट हैज अमेंडेड। सो इट हैज अमेंडेड इन द ईयर 1967, ठीक है, तो 1967 में इसको अमेंड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3 क्लॉज 3 के अंतर्गत आने वाले दस्तावेजों को किस भाषा में जारी करना अनिवार्य है। तो देयर आर टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स दैट आर पब्लिश्ड इन बोथ द लैंग्वेजेस, ठीक है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, ठीक है। तो इनको जो है, जो भी धारा 3 क्लॉज 3 के अंतर्गत डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पब्लिश करना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, मैंडेटरी है यह, ठीक है। जो भी सिग्नेचर कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसे दोनों भाषाओं में पब्लिश किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की किस धारा के उपबंधों के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम धारा 4 पे आते हैं। धारा 4 के अंतर्गत है राजभाषा के संबंध में समिति, ठीक है, और धारा 4 का जो क्लॉज 1 है उसके अंतर्गत यह बोला गया है कि जिस तारीख से धारा 3 प्रवृत्त होती है उसके 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात राजभाषा से संबंधित एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो है 20 मेंबर्स होते हैं, दैट मीन्स उसमें टोटल 30 मेंबर्स होंगे, जिसमें 20 मेंबर्स होंगे लोकसभा से होंगे और 10 मेंबर्स होंगे वह राज्यसभा से होंगे। और ये मेंबर्स जो हैं तो अपना हिंदी का जो भी विकास है वह कैसा हो रहा है और हिंदी के डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी पूरी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट जो है वह प्रेसिडेंट्स को देंगे। प्रेसिडेंट्स उस रिपोर्ट्स को टेबल करेंगे पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में फिर वह जो है तो संबंधित राज्यों में जाएगी, और राज्यों से संबंधित जो भी निर्देश हैं वह पुनः जो है प्रेसिडेंट्स के पास आएंगे, और मे बी प्रेसिडेंट्स जो है तो उसको जो है तो पार्लियामेंट के पास रखेंगे, और उसमें कुछ संशोधन अगर करना है तो वो किया जाएगा उसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो संसदीय राजभाषा समिति में बताया मैंने आपको 30 सदस्य होते हैं, तो जो उनका निर्वाचन होगा वह कैसे होगा। लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्वल प्रोपोर्शन होगा, ठीक है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अकॉर्डिंग जो है तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाएगा टू फॉर्म अ ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, ठीक है, इन द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की कौन कौन सी धारा के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं होते, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 6 और धारा 7, ठीक है। तो ये दोनों उपबंध जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते। इसके अनुसार धारा 6 की बात करें तो धारा 6 के अंतर्गत कतिपय दशाओं में राज्य अधिनियमों का प्राधिकृत हिंदी अनुवाद, और धारा 7 जो है वह उच्च न्यायालयों के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग, ठीक है। ये दोनों उपबंध जो हैं या धाराएं हैं यह जम्मू कश्मीर राज्य पे लागू नहीं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की कौन सी धारा के तहत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो
तो मैंने आपको बताया अभी कि ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स जो है उसको बनाने की जो पावर है वह केंद्र सरकार के पास है। तो राजभाषा अधिनियम 1963 दैट इज अमेंडेड ऑन 1967, तो उसकी धारा 8 है, ठीक है। इस धारा 8 का प्रयोग करके, दैट मीन्स सेक्शन 8 का प्रयोग करके केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है धारा 8, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं भूलिएगा, ये इस क्वेश्चन को नहीं भूलिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 क्लॉज 1 खा के अनुसार संघ और किसी ऐसे राज्य जिनके जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है के बीच प्रत्याचार के रूप में किस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन के बारे में बात करूं तो सपोज केंद्रीय सरकार के कोई भी मंत्रालय, विभाग या कार्यालय द्वारा अगर हिंदी में बात किया जा रहा है और किसी ऐसे राज्य से बात किया जा रहा है जिसने अपनी राजभाषा को हिंदी के रूप में नहीं अपनाया है, तो इस केस में जो उसका पत्राचार होगा वह हमेशा अंग्रेजी भाषा में होगा, ठीक है। संघ और राज्य, संघ है सपोज, संघ ने मान लिया है कि हिंदी उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, लेकिन कोई राज्य है जिसने हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, सपोज तमिलनाडु है, तमिलनाडु ने हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ट्रीट नहीं किया है, तो इस केस में जो सेंटर और स्टेट के बीच कम्युनिकेशन होगा दैट विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, ओके। और राज्यों की बात करें अगर, तो एक राज्य है जिसने हिंदी को अपना लिया है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज और दूसरा राज्य है जिसने हिंदी को नहीं अपनाया है एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इस केस में जो उनके बीच कम्युनिकेशन होगा वह हिंदी में होगा एज वेल एज इंग्लिश में भी उसका ट्रांसलेशन आप उसको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसका ट्रांसलेशन, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में उसका पत्राचार होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राजभाषा अधिनियम 1963 यथा संशोधित 1967 की धारा 3 क्लॉज 1 खा के अनुसार किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है और किसी ऐसे राज्य जिसने हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया है के बीच पत्राचार किस भाषा में होगा। तो देखिए यही क्वेश्चन मैंने इससे आप के लिए डिस्कस कर लिया था, इसको हिंदी को प्रयोग में लाया जाएगा साथ ही उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा। देखिए तो यहाँ पे हिंदी को प्रयोग में लाया जाएगा और उसका जो ट्रांसलेशन है उसको अंग्रेजी भाषा में भेजा जाएगा, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित रूप से कब पारित हुआ। तो ये 1967 ईयर हो गया और डेट के साथ अगर याद रखें तो 16 दिसंबर 1967। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी हो सकता है कि जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज एक पूछता है कब पारित हुआ, 1960 10 मई आपको याद रहता है, उसी तरह यह डेट भी आप मैं चाहता हूँ कि रिमेम्बर कर लें, 16 दिसंबर 1967 को जो है राजभाषा अधिनियम 1963 संशोधित रूप में पारित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि 1965 के बाद भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए, क्योंकि बेसिकली हमने बताया आपको कि जो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है वह कई जगह क्या अंग्रेजी का प्रयोग चलन मतलब हिंदी के बाद भी था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स थे तो उनको लगा कि जो है इसको अमेंड करके अभी इसका प्रयोग करते रहना चाहिए, तो इस कारण से हिंदी और अंग्रेजी को का जो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग भी जारी रखा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 के अंतर्गत आएंगे, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है, राजभाषा अधिनियम में टोटल 9 धाराएं हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक क्वेश्चन है कि राजभाषा अधिनियम की जो धारा 7 है उसके अंतर्गत क्या बोला जाता है, उच्च न्यायालय के निर्णयों आदि में हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग, ठीक है। तो यह धारा 7 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और धारा 9 के अंतर्गत अगर बात करें, धारा 9 के अंतर्गत है कतिपय उपबंधों का जम्मू कश्मीर में लागू ना होना, ठीक है।
इसके अंतर्गत धारा 6 और धारा 7 के उपबंध जो हैं वह जम्मू कश्मीर राज्य को लागू नहीं होते। धारा 9 अगर बात करें तो वह बेसिकली है कि कतिपय उपबंधों का जम्मू कश्मीर को लागू नहीं होना। अब इसके अंतर्गत कौन से उपबंध हैं, तो धारा 6 और धारा 7 के जो उपबंध हैं वह जम्मू कश्मीर को लागू नहीं होते। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। टोटल 15 क्वेश्चंस हमने 15 मिनट में डिस्कस करें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अगर हम बात कर लें, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं, तो एक नज़र में देख लीजिए, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। ये टोटल 22 लैंग्वेजेस जो है वो संविधान की 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं, सेक्शन 3 ऑफ क्लॉज 3 के अंतर्गत कुछ कागजात जो है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत हम बात करें तो वो जनरल ऑर्डर्स हो गए, ठीक है, ये काफ़ी एग्जाम में पूछता है आपसे, जनरल ऑर्डर्स हो गए, नोटिफिकेशंस हो गए, अधिसूचनाएं, इसके अलावा नोटिसेस हो गए, ठीक है, इसके अलावा प्रेस कम्युनिक्स हो गए या प्रेस नोट्स हो गए, ठीक है, इसके अलावा संविदा हो गया, संविदा को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट, या करार हो गया, दैट मीन्स एग्रीमेंट, लाइसेंसेस हो गए, परमिट्स हो गए, ठीक है, टेंडर फॉर्म्स एंड नोटिसेस हो गए, रिजोल्यूशंस हो गए, संकल्प जिसको बोलते हैं, रूल्स हो गए, ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, पेपर लेड बिफोर द पार्लियामेंट, संसद में प्रस्तुत सरकारी प्रलेख, ठीक है, देखिए प्रलेख का मतलब होता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स या पेपर्स लेड बिफोर द पार्लियामेंट, संसद में प्रस्तुत सरकारी प्रशासनिक या अन्य रिपोर्ट, तो जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि पार्लियामेंट में रखे जाते हैं या अदर रिपोर्ट्स, तो वो हो गए, या एडमिनिस्ट्रेटिव और अदर रिपोर्ट्स संसद में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अलावा। तो ये टोटल 14 डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें पार्लियामेंट में अगर बात करें यहाँ पे, तो धारा 3 क्लॉज 3 के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं, और इन्हें याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मे भी हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है आपको फ्रेम किया जाए विद द 4 ऑप्शंस के साथ जो है, तो इसको फ्रेम किया जा सकता है कि कौन सा जो है तो नहीं है इस टाइप का, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स, गुड लक फॉर योर एग्जाम।